में हमने देखा कि शादी को लेकर के एक किस्म का डर दिखाया जा रहा है कि मतलब अलग अलग स्टेजेस पे है, शादी हो रही है तो कैसे कैसे प्रेशर्स होते हैं। आप लोग मतलब करीना आप शादीशुदा हैं, कैसा आप लोग सोचते हैं शादी कितना एक लड़की के लिए मतलब एक प्रेशर होती है या किस तरह का दबाव होता है, कैसे आप लोग सोचते हैं शादी को लेकर के? Would you have asked this question to a guy? Because they also have pressures of marriage, yaar. They are also married. It's not that ke aurat ko hi pressure hota hai. I'm sure, I mean, you know, in today's time, we're sharing everything. We're sharing responsibility. We're sharing our lives together. So, we'll share the pressures also. Why just the women? Shahid Karina here, straight. You know, all of us loved you in Jab We Met. The pairing was immensely appreciated. And fans and all of us were eagerly looking forward to you guys being paired together, having scenes together in the movie. Disappointed that you guys don't have scenes together. Personally speaking, were you guys happy or disappointed about it, about not sharing screen space in the movie? मतलब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में हम खुश थे या दुखी थे? जो हो गया उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं? And the DVD of Jab We Met is always available. And the DVD of Jab We Met is always available. And the DVD of Jab We Met is always available. Karina, I wanted to know what's your idea of feminism? What do you feel about the concept? And are you one? Well, I believe in equality. I wouldn't say I'm a feminist. I would say I'm a woman. And above all, I'm a human being. But also, I mean, I'm as proud to be known as Saif Ali Khan's wife as I am to be Kareena Kapoor. So that's just the way I am. Actually, I just want to ask you, when Indian actors, in a capacity of the brand ambassador of this channel, when Indian actors go abroad and work in TV shows or films, and when they come back, do you think they get better deals, better remuneration, and better brands? I didn't understand your question only. मतलब मेरा ये है कि जब इंडियन एक्टर्स बाहर जाके काम करके आते हैं, लाइक वेदर दे वर्क इन टीवी और फिल्म्स, एंड व्हेन दे अगेन कम बैक टू इंडिया, आपको लगता है जो उनको ब्रांड्स होते हैं वो वैल्यू ज़्यादा करते हैं, रिम्यूनरेशन ज़्यादा मिलता है, एंड दे आर बेटर डील्स मिलते हैं? लाइक वर्किंग इन अब्रॉड डज मेक देम अ बिगर ब्रांड? नो, इफ दैट मीन्स इफ यू वर्क अब्रॉड ऑल्सो doesn't mean anything, na? आप अगर अब्रॉड जाएँ और वापस यहाँ आएँ आपकी सैलरी बढ़ेगी वो पता नहीं मुझे, तो आई डोंट नो, इट्स द सेम थिंग कि आप हॉलीवुड में काम कर रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो, आई थिंक योर ब्रांड वैल्यू इज एज मच एज यू डिलीवर, एंड आई थिंक इट इज़ एज मच एज वॉट योर पर्सनैलिटी इज़. हर एक ब्रांड की एक पर्सनैलिटी होती है. वेरी इंटेलिजेंट, थैंक यू सो मच. आई एम वेरी इंटेलिजेंट. करीना, आप मानते हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म काफ़ी डेंजरस हो गया है, खास करके सेलेब्स के लिए, या फिर कोई ओपिनियन रखना हो तो भी मतलब लोग ट्रॉल्स करना शुरू कर देते, तो आप मानते हैं कि काफ़ी डेंजरस है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म? वेल, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, एंड मुझे डेफिनेटली आई डेफिनेटली फील दैट, इसलिए आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स दैट आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर, क्योंकि डेफिनेटली आई थिंक दैट लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, इतनी खूबसूरती है दुनिया में, और हर चीज़ पे ओपिनियन देना, आई थिंक दैट आई एम नॉट समबडी लाइक दैट, आई डोंट लाइक टू गिव माई ओपिनियन, सो आई रादर वॉच सोनी बीबीसी अर्थ, पुट माई फीट अप एंड वॉच अ नाइस शो एंड सम गुड कॉन्टेंट, देन यू नो ट्रोल समबडी ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम. हाय करीना, जस्ट आपने अभी जस्ट बोला अबाउट गोलमाल 4, तो हम रिसेंटली रोहित शेट्टी हैड गिवन अ कोट दैट ही विल मिस यू इन गोलमाल 4. सो सिंस बिकॉज यू आर इन द स्पेस, ही इज फाइंडिंग इट ऑड टू टॉक इट आउट टू यू अबाउट द रोल. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? वेल, आई थिंक दैट दोज हु हैव अ रोल फॉर मी, दे विल कम टू मी, प्रेग्नेंट और नॉट, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड व्हाई शुड ही बी स्कैर्ड? आई शुड बी स्कैर्ड ऑफ हिम. दैट नाउ इज Not even thinking of that right now. Karina, आपने हमेशा एक नया ट्रेंड सेट किया है बॉलीवुड में, चाहे वो जीरो साइज का हो या कुछ और भी, और इस समय आप इसी फेज में, जिस फेज में हैं आप उसमें एक्टिंग करने वाली हैं, ऐसी खबरें हैं, तो एक तो ये बता दीजिए कि आप करने वाली हैं, रोहित की फिल्म है या किसी और की फिल्म में आप इसी रूप में एक्टिंग करने वाली हैं, जिस फेज में आप हैं इस समय, तो क्या है? Well, I'm definitely going to go on with my normal life. I'm a working woman and there's absolutely nothing wrong.
in that. So I love my job. I'm passionate about my work. Acting में तो जब से मैं अपने माँ के पेट में थी तब से ही मैं एक्टर बनना चाहती थी. तो दैट्स फाइन एंड आई विल कंटिन्यू एक्टिंग ऑल माई लाइफ टिल आई एम 80. सो यू नो आई मीन ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ रोल फॉर मी व्हाई शुड आई नॉट डू इट. सो वेयर एवर आई गो दीज डेज देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन आस्क्ड व्हिच इज आई थिंक क्वाइट इंट्रूसिव बट स्टिल आई एम आस्क्ड बोथ मी एंड सेफ इज इट अ बॉय और इज इट अ गर्ल हैव यू फाउंड आउट एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक. I'm a girl child. I would love to have a girl. What is the difference? I think I've done probably more for my parents and for my family than a son would. So my answer is downright rude to saying, firstly, this is very intrusive. And at this point, I don't think you should be asking me this question. But coming back to it, I think we're still in a nation where we've been asked, oh, you're getting married. Are you still going to work? Oh, you're having a child, are you still going to work? These questions upset me, and when Bizcraft and Mr. Evans wrote to me that if I would like to be a part of this initiative, I think my first reaction was that as an expectant mother on this journey, nothing would make me happier than to be a part of a movement that supports gender equality. Not just for me or my child, but for the millions and millions of children out there, for all those people who think that a girl child is considered taboo, is considered not equal enough, not up to a man. But you must know that a woman is probably the only soul that has the right to carry a soul in her. And that is truly something that is a joy.